ऐसा नहीं करें, वो ऑडियंस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहे हैं, सोफा हटा दीजिए प्लीज जी। जैसे कि कराची की तबस्सुम को अगवा करके हमारे कश्मीर में लाया गया था और उससे उसके साथ रेप किया गया था, उसकी बच्ची छीनी गई थी, 4 साल की बच्ची थी आलिशा, तो वो मेरे थाने पे आई थी, तो उसने बोला भाई मेरे साथ ज्यादती हुई है। सबसे पहले वो मेरे हेडमोरर से मिली, जिसने मुझे बोला कि भाई इसकी खुदारा तुम मदद करो, तुम भी मदद कर सकते हो। तो मैंने उससे पूछा, उसके पास कुछ भी नहीं था, कोई मतलब जान पहचाने वाली नहीं थी, वो कराची की थी, कश्मीर को जानती नहीं थी, वो दरिंदे लोग थे। तो इसके पास 2 नंबर थे, जिस नंबर पे मैं ट्राई करता रहा और उसके बाद उसने नंबर खोला तो उसने लड़की मांगी। उस औरत तबस्सुम को बोला कि मुझे औरत ला के दोगी तो मैं तेरी बच्ची दूंगा, वरना तेरी बच्ची को मैं मार दूंगा और तेरे को भी मार दूंगा कराची में आकर। तो मैंने उस औरत को कहा, मेरे घर में ही बैठी थी, मैं घर में लेके गया था उसको, तो मैंने उससे पूछा, बोला कि भाई तुम ऐसा करो, इसको बोलो कि 3 दिन मुझे छोड़ दो, मैं 3 दिन के बाद इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। तो 3 दिन के बाद फिर उसने कॉल की, तो मैंने अपनी बेगम को भी कहा कि जब ये कॉल करे मैं घर में मौजूद ना हूँ तो तुम उससे बात करो ऐसे कि तुम्हारे झांसे में आ जाए। फिर मैंने अपनी बेटी को भी बोला कि बेटा मैं ना हूँ तो तुम उससे बात कर लेना। 2 दिन मेरी बीवी ने उससे बात की लेकिन उसके झांसे में वो नहीं आया। जब 3रा दिन हो गया, मेरी बेटी ने उससे बात की तो उसने बोला आप नौकरी करोगे, इसने बोला जी मैं नौकरी करूँगी, तो इसने बोला कहाँ रहती हो, इसने बोला मैं कराची रहती हूँ, बोले आ जाओ, बोला कहाँ पे आ जाओ, ना उसका पता था, ना वो नाम बता रहा था, ना कोई नंबर था। तो इसने बोला हम आज ही आ रहे हैं, बोले आ जाओ। तो जैसे ही आए उसने बोला कहाँ पे आए, बोले या मरी कोच पे आओ या डोंकी कोच पे आओ, कश्मीर में आ जाओ, वहाँ से मैं आपको उठा लूँगा। तो मैंने इनसे पूछा, बेटी से, सुबह का टाइम था, मैं नमाज पढ़कर गया तो इसने बोला कि भाई कहाँ पे पहुँचे हो। मैंने उसको बोला बेटी को तुम इसको बोलो कि हम होटल में बैठे हैं, मरी ट्रांसपोर्ट में आए हैं, पता नहीं कौन सा होटल है ला ताल्लुक। तो मैं उस होटल में बैठ गया, मैं, मेरा बेटा था और ये बच्ची थी मेरी और वो औरत थी। तो वो होटल में नहीं आया तो मैं समझा शायद उसने मुझे देखा है। तो उसने मेरी बच्ची को कॉल की, उस औरत को भी, कि पार्क में आओ जहाँ मैं पहले आपको बिठाया था, लेके गया था खाना खिला के, वहाँ पे आ जाओ। तो फिर जैसे उसने उधर बोला तो मैंने अपनी बंदोबस्त किया नफरी का, कुछ पुलिस वाले वहाँ मैंने लगाए, मैंने बोला तुम पार्क में जाकर उधर गश्त करो, अपना वाक करो ताकि लोग ना समझें कि ये भाई पुलिस वाले हैं। तो वो मेरे पुलिस वाले वहाँ वाक कर रहे थे तो मैं बेटे को लेकर वहाँ पहुँच गया। तो 10-15 मिनट के बाद वो आया, वो दरिंदा आया। जैसे वो आया तो मेरी बच्ची के साथ, उस औरत से पहले बात की फिर मेरी बच्ची के साथ बात कर रहा, बोलता है तुम बाहर आ जाओ। तो मेरी बच्ची ने बोला तुम अंदर आ जाओ, हम तो तेरे को जानते भी नहीं है। तो उसने यूँ हाथ हिलाया, जैसे उसने हाथ हिलाया तो मैं अपनी नफरी को जो है तैयार, मैंने बोला यही बंदा है। जैसे वो आया अंदर, इससे बात की, इसका निकाह बटाया मेरी बच्ची का, तो बोलता है तुम सिंधी हो। मेरी बच्ची ने बोला मैं सिंधी तो नहीं हूँ, उर्दू स्पीकिंग हूँ, कराची के रहने वाली हूँ। तो उस तबस्सुम से पूछा उसने कि क्या ये और तुम सिंधी लाई हो, तो उसने बोला हाँ मैं ये सिंधी लाई हूँ। तो उसने दोबारा मेरी बच्ची का निकाह बताने की कोशिश की, क्योंकि हम सिंधी हैं ना, ये ठुल्ली भी पहनते हैं, वालियाँ भी पहनती हैं। उसने देख कर इसको जो है दोबारा गिरेबान से पकड़ लिया मेरी बेटी ने, जैसे उसने निकाह दूसरा उतारा। तो हम भी नज़दीक थे, हमारे पुलिस वाले भी नज़दीक थे। मैं फिर उसको थाने पे लेके गया, फिर उससे पूछा, उसने बोला कि बच्ची मेरे घर में है। तो मैं उधर चला गया, उसके घर बहुत दूर था, उसके घर में गया, मैं उस औरत को लेके गया, बच्ची हमें नहीं मिली, बच्ची नहीं मिली तो हम परेशान हो गए। मैंने बोला यार काश हम उस बुजुर्ग को ले आते इसके घर में, पता नहीं कहाँ रखी थी। तो एक गलत तप्पड़ पड़ा था गंदा, उसमें वो बच्ची पड़ी थी, देखा तो आलिशा थी, उसकी हालत तो बहुत ख़राब थी। तो हम बच्ची को देखा, उसने बहुत ज्यादती की थी 7 दिन पूरे। तो हम उसको उठा के ले आए, यकीन करो ना, जब हम तो हमारे को सब लोग कहते हैं कि भाई पुलिस जालिम है, लेकिन डॉक्टरों जैसा कोई भी नहीं है, डॉक्टरों जैसा कोई भी नहीं है। मैं खुद कहता हूँ, यकीन से कहता हूँ कि अगर मैं 6 घंटे इस बच्चे के साथ ना होता तो ये बच्ची मर जाती। फिर अखबारी नुमाइंदों ने मुझे साथ दिया, कोई भी नहीं मान रहा था, कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। 12 घंटे 8 घंटे वो लड़की ऐसे बड़ी थी, जो भी आता है उसकी सलवार उतार के देखता है, भाई तुम्हारा ये काम तो नहीं है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दो खुदारा। जो डॉक्टर आता है, एमएस आता है, ऐसे ही करता है। हमें तो बिल्कुल उंगलियां बिल्कुल उठाते हैं, भाई हम तो कुर्बानियां देते हैं, हमारे बच्चे भी आपके पास कुर्बान है, लेकिन आप खुदारा कुछ अपने बच्चों का ख्याल करें।
अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ें, अपने बच्चों को खुद स्कूल पहुंचाएं, वहां से लेके घर पे आए, बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ें, अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें तो अच्छा होगा, बेहतर यही होगा। बस यही कहते हूं मैं, शुक्रिया आपका। थैंक यू सब भाइयों की मेहरबानी, शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी। अल्लाह ने मुझे तो इतनी इज्जत दी है कि मैं शायद सोच भी नहीं सकता था, एक छोटा मुलाजिम होकर इतनी अल्लाह ने मुझे इज्जत दी कि किसी इंसान को नहीं दी है। ये तो शुक्र है मेरे मौला का एक अच्छे काम करने में। इंशाल्लाह हमारी पुलिस अच्छा काम करेंगी, आप मेहरबानी करें, पुलिस का हौसला अफजाई करें, उनकी मदद करें, बस उनका ख्याल करें, वो आपके बहुत ख्याल करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जाहिर है कि बात आगे नहीं बढ़ सकती, बात तो यहाँ ख़त्म हो गई। तो इसके मैं आपके स्टेज पे जो मेहमान बैठे हैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मामले को समझने में हमारी मदद की, बहुत शुक्रिया। हमारा अगला सेशन है तारीख कैसे बदलती है, जिसके मॉडरेटर हैं डॉक्टर रियाज शेख और हमारे गेस्ट स्पीकर होंगे डॉक्टर मुबारक अली।